नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट रिधि बहल। नवरात्रि साल के सबसे ऑस्पिशियस और शुभ 9 दिन। इन 9 दिनों में हम देवी के 9 रूपों की पूजा करते हैं। देवी जो कि प्रतीक हैं शक्ति का, प्रतीक हैं ताकत का और ज्ञान का। दुर्गा सप्तशती जो कि देवी के इन 9 रूपों का बड़ा ही अच्छा व्याख्यान और बड़ा ही अच्छा डिस्क्रिप्शन करती है। दुर्गा सप्तशती जो है मार्कंडेय पुराण का एक हिस्सा है और जैसा कि इसका नाम है सप्तशती, इसमें 700 श्लोक हैं जो कि दुर्गा के विभिन्न रूपों का के बारे में हमें बताते हैं। दुर्गा सप्तशती करने के बहुत से फायदे हैं। मैंने पर्सनली इन फायदों से बेनिफिट उठाया है, इसीलिए आज मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। देर इज़ अ साइंस, देर इज़ अ लॉजिक, देर इज़ अ रीज़न बिहाइंड ऑल दी मंत्रास, चाहे वो गायत्री मंत्र हो, चाहे वो दुर्गा सप्तशती हो, चाहे वो हनुमान चालीसा हो। और देखिए, ये बहुत ज़रूरी है, अगर आप किसी भी मंत्र का पॉजिटिव इम्पैक्ट चाहते हैं तो आप उसको बोलें। ये नहीं कि जी मैंने मोबाइल पे लगा लिया, ईयरफोन प्लग इन कर लिए, हो गया मेरा पाठ, हो गए मेरे मंत्र, या मैंने सीडी चला ली और मैं सुन रही हूँ तो उससे मेरे मंत्र हो गए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मंत्रों को बोलें, उनको सही से प्रोनाउंस करें, तभी जो है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आप एक्सपीरियंस कर सकेंगे। आज क्योंकि हम बात कर रहे हैं दुर्गा सप्तशती की, तो जब आप इसके मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो इसका असर जो है खास करके आपकी ब्रेन की वेसल्स पे जो है बहुत पॉजिटिव होगा। कैसे? जब हम मंत्र बोलते हैं, देखिए, देर इज़ अ वे ऑफ सेइंग अ मंत्र। एक तो प्रोनंसिएशन सही होना चाहिए और एक पर्टिकुलर लय में, एक पर्टिकुलर स्पीड में जो है आपको मंत्र बोलना है। तो जब आप बोलते हैं तो आपके कान उसको सुनते हैं, जब आपके कान सुनते हैं तो इट सेंड्स सिग्नल्स टू द ब्रेन जो कि पॉजिटिव सिग्नल्स होते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो मंत्र हम बोलते हैं उनका जो इम्पैक्ट है हमारी बॉडी पर वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। उसके अलावा जो दुर्गा सप्तशती है स्पेशली, वो जब हम बोलते हैं तो उसके उच्चारण से, उसके प्रोनंसिएशन से हमारे आसपास एक पॉजिटिव मैग्नेटिक ऑरा क्रिएट होता है। ये ऑरा जो है एक प्रोटेक्टिव ऑरा है। जो लोग ये कहते हैं कि जी हमें जो है हम बड़ी जल्दी बीमार हो जाते हैं, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी कम है, या हमें नज़र बहुत जल्दी लग जाती है, या हमारे काम जल्दी नहीं बनते हैं, काम शुरू होने से पहले ही कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, उन लोगों के लिए ये ऑरा वर्क्स वंडर्स। कैसे? क्योंकि ये जो है नेगेटिविटी आपके आसपास आने ही नहीं देता, नेगेटिविटी आपको छूती ही नहीं है, तो आपके काम जो है वो जल्दी से और आसानी से हो जाते हैं। इस नवरात्रि आप जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ ज़रूर करें, अपने आसपास एक पॉजिटिविटी क्रिएट करें और अच्छी चीज़ें एक्सपीरियंस करें और फिर मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। जैसा कि मैंने कहा कि मैंने भी इस पाठ से बहुत पॉजिटिविटी एक्सपीरियंस की है, बहुत सी नेगेटिविटी अपने आसपास से दूर हटाई है, प्लस बहुत सी ऐसे चैलेंजेस, हम सब लाइफ में, हमारे लाइफ में कोई ना कोई चैलेंजेस है, कोई ना कोई स्ट्रगल है, कोई ना कोई रुकावटें आती हैं, उन सबको जो है दूर करने के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ इज़ अ वंडरफुल थिंग टू डू। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते नमस्तस्ते नमो नमः। मेरी यही कामना है कि हम सभी पे दुर्गा माँ की कृपा हमेशा बनी रहे।